तो अब तक हम बिजनेस ऑफिशियल और लेटर्स टू द एडिटर देख चुके हैं। आज हम देखेंगे जॉब एप्लीकेशंस जो कि किसी नियुक्ति के लिए या किसी पद के ऊपर नियुक्त होने के लिए, जॉब के लिए नियुक्त होने के लिए हम आवेदन करते हैं, वो जॉब एप्लीकेशन कहलाती हैं। तो किस तरह से लिखे जाते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसके फॉर्मेट की बात करते हैं, जिसमें ज़रा सा चेंज होता है। सबसे पहले तो आप सेंडर्स एड्रेस यानी कि भेजने वाले का पता लिखते हैं, डेट और डेस्टिनेशन। रेसिपिएंट्स डेस्टिनेशन ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस, और इसके बाद में एक लाइन की जगह छोड़कर सब्जेक्ट, योर मैसेज। मैसेज के बाद में आप यहां लिखते हैं योर्स फेथफुली। फेथफुली के बाद में एक्स वाई जेड, योर नेम और एनक्लोज्ड। एनक्लोज्ड का अर्थ होता है कि इस पत्र के साथ में भेज रहा हूँ, कि पत्र के साथ में आप अगर कोई डॉक्यूमेंट भेजते हैं या और कोई सामग्री भेजते हैं तो उस बारे में आप बताते हैं। तो एनक्लोज्ड रेज्यूमे या आपसे कहा जा सकता है सीवी। तो रेज्यूमे और सीवी जो होता है वो क्या होता है कि जैसे आप ट्वेल्थ वगैरह ट्वेल्थ के बाद में जब आप प्रोफेशनल स्टेज में एंटर करते हो या करियर से संबंधित कुछ करना चाहते हो, तो अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में पद के लिए आवेदन करते हो तो आपको वो आपसे वो रेज्यूमे या सीवी मांगते हैं। तो रेज्यूमे और सीवी एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर आपकी तमाम जो पर्सनल डिटेल्स होती हैं और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो होती हैं, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो होती हैं, उन सबकी डिटेल होती है, जैसे कि आपका नाम, आपकी जन्म तिथि, आपकी उम्र, आपकी वैवाहिक स्थिति, आपके पिता का नाम, माता का नाम, आपका एड्रेस, आपकी ईमेल आईडीज वगैरह, और आपकी क्वालिफिकेशन, टेंथ आपने कब की, ट्वेल्थ आपने कब की, और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कि आपने कोई व्यावसायिक शिक्षा ले रखी है या नहीं, और पिछला कोई एक्सपीरियंस कहीं काम करने का। तो इस तरह के जो सारे डिटेल्स हैं वो रेज्यूमे में आपको देनी होती है। तो इसमें हमें रेज्यूमे बनाने को कहा जाता है। तो इसके बाद में हम यहाँ पे एनक्लोज रेज्यूमे लिख देते हैं। तो अगर रेज्यूमे लिखा है तो हम बीच में लिखते हैं रेज्यूमे कैपिटल लेटर्स में, और अपना जो रेज्यूमे है वो बनाते हैं। तो नेम और फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, तो इत्यादि की जो जानकारियां हैं वो हम इसमें देते हैं, जो कि हम क्वेश्चन में देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखते हैं हम एक क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वांटेड ए लेडी, रिसेप्शनिस्ट RECEPTIONIST रिसेप्शनिस्ट कम टेलीफोन ऑपरेटर, टेलीफोन ऑपरेटर। तो चाहिए एक रिसेप्शनिस्ट, रिसेप्शनिस्ट और टेलीफोन ऑपरेटर, मतलब एक लेडी, एक महिला चाहिए जो रिसेप्शनिस्ट और टेलीफोन ऑपरेटर दोनों का ही काम मैनेज कर सके। स्मार्ट, स्मार्ट एंड फीमेल, ग्रेजुएटेड विथ ग्रेजुएटेड
बिलो 25 ईयर्स विद गुड कमांड ओवर इंग्लिश एंड हिंदी में अप्लाई। तो 25 ईयर्स विद गुड कमांड ओवर इंग्लिश एंड हिंदी में अप्लाई। एक्सपीरियंस्ड एक्सपीरियंस्ड EXPERIENCED experienced will be preferred, will be preferred right to MD Nauzeevan हॉस्पिटल नीम का थन। तो राइट टू एमडी नवजीवन हॉस्पिटल नीम का थाना विथ डिटेल्ड रेज्यूमे एंड पासपोर्ट size photo latest by next Saturday. You are Goro. You are Goro. Write for this post after seeing its advertisement in the Times of India. तो इस तरह का एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपको कंप्लीट डिटेल्स दी जाती हैं, हर तरह की डिटेल्स। तो बेसिकली ये है क्या, आपने एडवर्टाइजमेंट जो पढ़े थे तो ये एडवर्टाइजमेंट है। इस तरह का आपको एक एडवर्टाइजमेंट दिया जा सकता है और कहा जाता है कि आपने ये एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में देखा और उसके लिए आपको अप्लाई करना है। या फिर आपको एक बाकी के लेटर्स की तरह क्वेश्चन भी दिया जा सकता है, ये जैसे बिना बुक्स के और रेगुलर क्वेश्चन के रूप में भी दिया जा सकता है। तो दोनों ही केसेस में आपको समझ जाना है कि जॉब एप्लीकेशन लिखना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये क्वेश्चन है क्या। तो वांटेड चाहिए ए लेडी, ए महिला रिसेप्शनिस्ट यानी कि स्वागत कर्मी, जो होटल वगैरह में हॉस्पिटल्स वगैरह में जो फर्स्ट काउंटर पे जो बैठी हुई महिला होती है जो स्वागत के लिए या पूछताछ के लिए वहाँ पे उपलब्ध होती है, तो वो रिसेप्शनिस्ट चाहिए कम टेलीफोन ऑपरेटर, साथ ही टेलीफोन ऑपरेटर जो कि कॉल्स वगैरह रिसीव करे या करे। तो रिसेप्शनिस्ट कम टेलीफोन ऑपरेटर चाहिए जो कि महिला हो, स्मार्ट सुंदर फीमेल महिला ग्रेजुएटेड जिसने स्नातक की हो, बिलो 25 ईयर्स और 25 साल से कम की हो, विथ गुड कमांड ओवर इंग्लिश जिसकी अंग्रेजी पर एंड हिंदी और हिंदी पर अच्छी पकड़ हो, में अप्लाई वही इस पद के लिए आवेदन करे। एक्सपीरियंस्ड विल बी प्रीफर्ड और जिसको अनुभव होगा उसको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। राइट टू एमडी तो मैनेजिंग डायरेक्टर को लिखिए, एमडी का अर्थ होता है मैनेजिंग डायरेक्टर, तो मैनेजिंग डायरेक्टर को पत्र लिखिए नवजीवन हॉस्पिटल नीम का थाना के को विद डिटेल रिज्यूम और जिसको विस्तृत अपना रिज्यूमे जो है वो भेजिए एंड पास पासपोर्ट साइज फ़ोटो और अपनी एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो भी भेजिए लेटेस्ट बाई नेक्स्ट सैटरडे अगले शनिवार से पहले।
तो यू आर गौरव, आप गौरव हैं, राइट फॉर दिस पोस्ट, इस पद के लिए लिखिए, आवेदन कीजिए आफ्टर सीइंग इट्स एडवर्टाइजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया। आपने ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो टाइम्स ऑफ इंडिया में देखा है, तो आपको इस पद के लिए आवेदन करना है। तो सबसे पहले आते हैं एड्रेस पार्ट के ऊपर। तो आपका नाम ही यहाँ दिया गया है, आपका एड्रेस वगैरह नहीं दिया गया है। क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। तो यहाँ एड्रेस है नहीं, तो हम अपने हिसाब से एड्रेस देंगे। 27C आदर्श कॉलोनी पाटन। डेट एक लाइन की जगह छोड़ेंगे। फिर एक लाइन की जगह छोड़ेंगे। द मैनेजिंग डायरेक्टर, MD का अर्थ होता है द मैनेजिंग डायरेक्टर। किसका? नवजीवन, नव जीवन हॉस्पिटल नीम का थाना। एक लाइन की फिर से जगह छोड़ेंगे, लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में लिखते हैं एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फीमेल फीमेल रिसेप्शनिस्ट कम सॉरी, ये कैपिटल लिखना था आपने, यहाँ कैपिटल दे रखा है। तो टेलीफोन ऑपरेटर। तो आपको क्या करना है, हमेशा इस लेटर में सब्जेक्ट ये ही रहने वाला है, बस आपको जो पद दिया गया है वो पद हम चेंज कर देंगे। तो इस पोस्ट ऑफ के बाद में जो पद आपको दिया जाए उसको यहाँ से ये पार्ट हटाकर वो जो दिया गया पद है वो यहाँ पे लिख देंगे। बाकी ऑलवेज ये जो सेम रहने वाला है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा फीमेल। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं सल्यूटेशन के बाद से जो लेटर है वो, तो इसे आप नोट कर सकते हैं पॉज करके, और अब कंटिन्यू करते हैं आगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सर। सर, सर के बाद में हम जो पहला काम करते हैं इस लेटर को लिखते टाइम, वो ये है कि आप बताते हैं कि आपको इस एडवर्टाइजमेंट की जानकारी, इस पद की जो नियुक्ति वो कर रहे हैं इसकी जानकारी आपको कहाँ से मिली, कब मिली, तो इसका आपको ये डिटेल देना होता है। और बाद में ये भी बताना होता है कि आप किस बारे में ये पत्र लिख रहे हैं। तो फर्स्ट लाइन जिसको हम शुरू में लिखते हैं उसमें ये दोनों, तो सबसे पहले लिखेंगे दिस इज विथ रेफरेंस, दिस इज विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड 15 अप्रैल, 15 की बजाय हम करते हैं 19 अप्रैल 2021 फॉर द पोस्ट ऑफ ए लेडी, फॉर द पोस्ट ऑफ ए लेडी
रिसेप्शनिस्ट हैंड हैंड नहीं था कम था रिसेप्शनिस्ट कम टेलीफोन ऑपरेटर। तो देखिए यहाँ तक आपने कंप्लीट अपनी जो डिटेल है कि आपको कैसे जानकारी मिली और कब मिली ये सब आपने कंप्लीट जानकारी दे दी है। देखिए दिस इज विथ रेफरेंस इसका अर्थ होता है कि ये संबंध में है यानी कि ये पत्र जो है इज विथ रेफरेंस वो संबंध में है टू योर एडवर्टाइजमेंट आपके विज्ञापन के पब्लिश्ड जो प्रकाशित हुआ इन द टाइम्स ऑफ इंडिया नामक अखबार में डेटेड जो कि 19 अप्रैल 2021 का अखबार था और फॉर द पोस्ट ऑफ ए लेडी रिसेप्शनिस्ट और जो विज्ञापन था वो था एक महिला रिसेप्शनिस्ट कम टेलीफोन ऑपरेटर के पद के संबंध में। तो ये आपने बता दिया कि आपको जानकारी कहाँ से मिली और कैसे मिली। अब आप कहेंगे कि आप क्या चाहते हैं तो आई वांट टू ऑफर माय कैंडिडेचर CANDIDATURE कैंडिडेचर फॉर दिस पोस्ट। तो इस लाइन का अर्थ हुआ कि आप कह रहे हैं कि आई वांट मैं चाहता हूं टू ऑफर प्रस्तुत करना माय कैंडिडेचर चाहता हूं या चाहती हूं प्रस्तुत करना माय कैंडिडेचर अपनी पात्रता या अपनी अभ्यर्थिता फॉर दिस पोस्ट इस पद के लिए। तो कैंडिडेचर की स्पेलिंग है CANDIDATURE और कैंडिडेचर का अर्थ होता है पात्रता। तो इसके बाद में ये सारी डिटेल हो गई कि आपने ये कहाँ से आप इस विज्ञापन को देखा आपने और अब आप क्या चाहते हैं। इसके बाद में आप अपनी डिटेल्स देते हैं तो लिखेंगे आई एम लाइन चेंज करके आई एम ए स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट मैं एक स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट लेडी ऑफ 22 years। तो मैं एक सुंदर और आत्मविश्वस्त महिला हूँ 22 वर्ष की विद प्लीजिंग पर्सनैलिटी जिसका सौम्य व्यक्तित्व है एंड हार्डवर्किंग और मैं परिश्रमी हूँ। I also have a good knowledge of computer मेरे को कंप्यूटर का भी अच्छा खासा ज्ञान है एंड पचेस यानी कि रखती हूँ एक्सीलेंट EXCELENT एक्सीलेंट कमांड ओवर ENGLISH एंड पजेस एक्सीलेंट कमांड ओवर इंग्लिश और अंग्रेजी के ऊपर बहुत ही जबरदस्त मेरी पकड़ है। आई अश्योर यू मैं आपको आश्वस्त करती हूँ टू सेटिस्फाई विथ माई सर्विसेज मैं आपको आश्वस्त करती हूँ या मैं पक्का दावा करती हूँ टू सेटिस्फाई विथ माई सर्विसेज कि मैं अपनी सेवाएं जो हैं उन सेवाओं के जरिए मैं अपनी जो सेवाओं के जरिए जो ऑर्गेनाइजेशन को जो संतुष्ट कर पाने में सफल हो पाऊंगी इफ गिवन एन OPPO
PUNITY अपॉर्चुनिटी फॉर द सेम। तो अगर मुझे इसके लिए अवसर दिया जाता है, काम करने का अवसर दिया जाता है, तो मैं आश्वस्त करती हूँ कि मैं अपनी सेवाओं से आपको संतुष्ट कर पाने में सफल हो पाऊंगी। और आई हैव एनक्लोज्ड माय रेज्यूमे हियर विथ। यहाँ मैंने इसके साथ में अपना जो रेज्यूमे है वो जोड़ा है, और इसके बाद में लाइन चेंज करके अपन लिखेंगे योर्स फेथफुली गौरव और एनक्लोज्ड। तो आपको यहाँ रेज्यूमे के लिए कहा गया है, तो आप लिखेंगे रेज्यूमे कि मैं इसके साथ में रेज्यूमे भेज रहा हूँ। तो रेज्यूमे के बाद में हम जो अब रेज्यूमे जो है उसकी कंप्लीट डिटेल्स हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो ये सब आप नोट कर लें, रेज्यूमे जो है वो हम ऊपर बनाएंगे क्योंकि वो नीचे तक बहुत नीचे तक लंबा हो जाएगा। तो देखते हैं रेज्यूमे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे रेज्यूमे बीचों बीच, और इसको चाहे तो हम बॉक्स में बंद कर सकते हैं, लेकिन वो सब कुछ लिखने के बाद में। तो ये लिखने से पहले आपको ध्यान देना है कि जैसे आप लिखेंगे नेम, तो इसमें पर्याप्त रूप से आप स्पेस देना न भूलें, अदरवाइज जो है लाइंस जो है उनकी जो वर्टिकल लेंथ है वो इधर उधर हो सकती है। तो अपन रेज्यूमे बीच में लिखते हैं और इधर से चालू करते हैं। तो नाम यहाँ पे हम लिखेंगे गौरव, जो कि सॉरी गौरव एक मेल है, जबकि ये लेडी रिसेप्शनिस्ट के लिए था। तो आप क्वेश्चन में कोई लेडी का नाम लिख लीजिएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं गीता, क्योंकि ये पोस्ट थी फीमेल रिसेप्शनिस्ट के लिए, और हमने जो क्वेश्चन में नाम था वो एक मेल का लिख रखा है जो कि किसी भी तरीके से क्वेश्चन से मैच नहीं करता है। सो प्लीज़ चेंज द नेम। तो गीता, इसके बाद में फादर्स नेम फादर्स नेम, तो पिता का नाम लिखेंगे। पिता के नाम के बाद में हम लिखेंगे जेंडर, जो कि है फीमेल, और फीमेल के बाद में हम लिखेंगे DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ, जो कि आपको अकॉर्डिंगली जो भी हो वो दे देनी है, डेट मंथ ईयर। इसके बाद में आप लिखेंगे नेशनलिटी, नेशनलिटी का अर्थ होता है राष्ट्रीयता, जो कि है इंडियन, आप भारतीय हैं। इसके बाद में लिखेंगे मैरिटल स्टेटस, STATUS मैरिटल स्टेटस। तो अगर आप अविवाहित हो तो आप लिखेंगे सिंगल, और अगर आप विवाहित हो तो आपको डबल बिल्कुल नहीं लिखना है, आपको लिखना है मैरिड, MARRIED मैरिड यानी विवाहित। तो सिंगल का डबल नहीं लिखना है। और अब नेक्स्ट जो आने वाला है वो है परमानेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस यानी कि स्थायी पता। पते दो प्रकार के होते हैं, एक परमानेंट एड्रेस जो आपका स्थायी पता है आपका घर, और एक होता है पत्र व्यवहार, जैसे कि आप कहीं काम करते हैं लेकिन घर पे होते नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो आपका ऐसे टाइम में जो लेटर है वो कहाँ पहुँचे, तो वो एक टेम्पररी एड्रेस होता है, तो वो आपको यहाँ पे देना है। तो अपना जो एड्रेस है वो यहाँ पे आप लिखेंगे। परमानेंट एड्रेस के बाद में हम लिखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, EDUC
UCATIONAL, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। क्यों UALIFICATION, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर आप जो अपनी सारी डिटेल्स हैं वो देते हैं, जैसे कि सेकेंडरी, जैसे आप 10th भी लिख सकते हैं, जैसे लिख दिया 10th ईयर परसेंट, सेकेंड 12th ईयर परसेंट, ग्रेजुएशन BA BSc जो भी आपने किया है ईयर परसेंट, इसके अलावा BA या MA जो भी आपने किया है तो ये आपने लिख देना है। तो आप जब ये क्वेश्चन लिख रहे हो तो जैसे 10th ईयर किस ईयर में की परसेंट क्या प्रतिशत रहा, ये सब हम लिखते हैं। तो ये हमें कैलकुलेट करना होता है कि जो जैसे कि यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ये क्वेश्चन में दिया गया होता है कि आपने आंसर के अंदर खुद को कितने वर्ष का बताया है या नहीं बताया है, तो अपने को इस अकॉर्डिंग रखना होता है कि वो क्वेश्चन में दी गई एज के अकॉर्डिंग हो। तो उस हिसाब से हम जन्मतिथि लिखेंगे। ये लिख देने के बाद में हम कैलकुलेट करेंगे कि अगर आपका जन्म मान लीजिए 1995 को हुआ है तो आप 10th कब करेंगे। तो नॉर्मली 3 साल का बच्चा स्टडी करने लगता है तो 3 साल वो जोड़ेंगे और 10 साल ये जोड़ेंगे, तो 10 और 3 13। तो 95 में 13 ऐड करने पर जो आएगा वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो इस प्रकार से जो ईयर है वो लॉजिकल होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए, ऐसे नहीं कि जो मन में आया वो लिख दिया, अदरवाइज वो गलत होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बाद में हम जो कंप्यूटर से संबंधित जो नॉलेज है वो लिखते हैं, कंप्यूटर एजुकेशन। कंप्यूटर एजुकेशन में डिप्लोमा होते हैं, तो डिप्लोमा ओ लेवल भी होता है या फिर आप RSCIT भी लिख सकते हैं, और कोई और आपने कोई कोडिंग वगैरह प्रोग्रामिंग वगैरह की डिग्री ली है या कोर्स किया है तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओ लेवल डिप्लोमा, ओ लेवल डिप्लोमा। कंप्यूटर एजुकेशन हो जाने के बाद में आप जो अपनी हॉबीज हैं यानी कि क्या क्या आपको पसंद है वो आप लिखेंगे। तो हॉबीज में आप जो भी आपकी हॉबीज हैं, रीडिंग, सिंगिंग और कुकिंग, तो इस तरह की आपकी जो भी हॉबीज हैं वो हॉबीज आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद में एक्सपीरियंस, EXPERIENC, तो एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस आपको कितने वर्ष का है और कहाँ आपने, मतलब एक्सपीरियंस आपका कहाँ का है, आपने कहाँ काम किया है, 6 मंथ या फिर मान लीजिए 3 ईयर्स, एट के बाद में आपने कहाँ काम किया है तो आप लिखेंगे, जैसे कि हम लिख सकते हैं लाइफ लाइन हॉस्पिटल, एट लाइफ लाइन हॉस्पिटल जयपुर। तो कितने साल का अनुभव है वो लिखते हैं और कहाँ आपने काम किया है तो वो जगह का नाम। तो ध्यान दीजिए कि जैसे आपको जिस पद पर काम के लिए बोला जा रहा है तो जाहिर सी बात है अनुभव भी उस पद पर काम करने का ही होना चाहिए, तो आप उससे मिलता जुलता जो है वो टाइप का एड्रेस वगैरह जो नाम वगैरह है वो यहाँ पे दें। इसके बाद में हमें लिखना होता है सैलरी एक्सपेक्टेड, सैलरी एक्सपेक्टेड, यानी कि सैलरी एक्सपेक्टेड से मतलब होता है कि आप कितनी जो सैलरी है वो चाहते हैं। तो हम लिखेंगे 30,000 रुपीज। इसके बाद में रेफरेंसेस, रेफरेंसेस से मतलब होता है कि सामने वाले जिसके पास में आप काम करने जा रहे हो वो आप पर सीधा ही विश्वास कैसे कर ले। तो इसके लिए आप अपने जो पुराने जिनके यहाँ आपने काम किया है जिनको आप जानते हो तो उनके साइन वगैरह उनसे आप लिखवा कर ले जाते हो,
कि मेरे यहाँ काम करने का अनुभव इनका अच्छा रहा है, ये मेहनती आदमी है, तो इसके आधार पर आपको काम मिलना जो है वो आसान हो जाता है, और सामने वाला जो अगला नेक्स्ट आपका एम्प्लॉय है वो आप पे विश्वास कर पाता है और आपको जॉब पे रखता है। तो जैसे कि यहाँ काम किया है तो हम इसी का लिख देंगे, मिस्टर नवीन सिंह। तो मिस्टर नवीन सिंह हमने नाम लिखा, और इसका संबंध किससे है तो हम लिख देंगे एमडी, और लाइफ लाइन हॉस्पिटल जयपुर। तो ये हमने एक यहाँ पे रेफरेंस दे दिया है। तो इस प्रकार से हमें ये जो कंप्लीट हमारा जो लेटर है वो हमें करना होता है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब लेटर ये काफी लंबा होता है, अगर आप चाहें तो इसे बॉक्स में भी बंद कर सकते हैं इस तरह से। लेकिन बॉक्स में बंद करें तो आपको ध्यान रखना है कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मैच हो, जैसे कि ये जो कॉलम है ये यहाँ पे इस तरफ आ रहे हैं जबकि यहाँ पे कॉलम इस तरफ आ रहे हैं। तो हमें करना क्या होता है कि कोशिश करनी होती है कि सब कुछ मिडिल में रहे जितना हो सके, उससे ये थोड़ा दिखने में अट्रैक्टिव लगता है। तो जो फर्स्ट लाइन थी सर के बाद में, उसमें हमें बताना था कि किस संबंध में आप पत्र लिख रहे हैं और आपको कैसे पता कि इस जगह जो है वो जॉब अवेलेबल है। तो आप बताएंगे कि दिस इज़ विथ रेफरेंस, कि ये संदर्भ में है, दिस इज़ विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट, आपके विज्ञापन के संबंध में है, पब्लिश्ड जो कि प्रकाशित हुआ इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया नामक अखबार में, डेटेड जो कि तारीख को प्रकाशित हुआ, मान लीजिए 20 अप्रैल को, 20 अप्रैल को, फॉर द पोस्ट ऑफ इस पद के लिए, किस लिए, रिसेप्शनिस्ट कम टेलीफोन ऑपरेटर, तो इस पद के लिए जो है ये प्रकाशित हुआ था। और फुल स्टॉप लगाकर हम लिखेंगे कि आई वॉन्ट टू ऑफर, मैं चाहता हूँ ऑफर यानी प्रस्तुत करना माई कैंडिडेचर, अपनी अभ्यर्थिता, अपनी पात्रता इस पद के लिए। फिर इसके बाद में हमने लाइन चेंज की, और लाइन चेंज करने के बाद में जो क्वेश्चन में आपको क्वालिटीज़ मांगी गई है उन क्वालिटीज़ का अपन वर्णन कर देते हैं। जैसे जो क्वालिटीज़ इसमें नहीं आई, जैसे कि स्मार्ट, कमांड ओवर इंग्लिश, तो ये चीज़ें इसमें हमने नहीं लिखी हैं, तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे हम लिखते हैं। जैसे कैसे आप दिखते हो, हार्ड वर्किंग हो या नहीं हो, और इस तरह का दावा करना कि अगर मुझे मौका दिया जाता है तो मैं पूरी मेहनत से काम करूँगा और आपकी जो संस्था है उसको संतुष्ट कर पाने में सफल होऊंगा, तो अगर मुझे ऐसा मौका मिलता है, तो इस तरह की जो बातें हैं वो हम वहाँ पे लिखते हैं। तो हमने लिखा कि आई एम ए स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट लेडी ऑफ 22 ईयर्स, कि मैं एक खूबसूरत और आत्मविश्वस्त महिला हूँ 22 साल की। और इसके बाद में हमने जो कमांड है इंग्लिश के ऊपर और कंप्यूटर के नॉलेज की बात है वो हमने वहाँ पे लिखी, और साथ ही ये कहा कि आई अश्योर यू टू गिव बेस्ट ऑफ माई सर्विसेज इफ गिवन एन अपॉर्चुनिटी, कि अगर मुझे अवसर दिया जाता है तो मैं अपनी जो बेहतरीन सेवाएं हैं वो आपको प्रदान करूंगी। और इसके बाद में हमने ये जो रेज्यूमे है वो रेज्यूमे प्रिपेयर किया। तो इस प्रकार से हमें जॉब एप्लीकेशन